तुमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। तो फाइनली दोस्तों मैंने देख ली है सुपरस्टार शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी, और अगर इस फिल्म को एक वर्ड में रिव्यू किया जाए तो इट्स अ मास्टरपीस। जी हाँ दोस्तों, 2023 में जितनी भी फिल्में आई है उन सभी फिल्मों से अलग और हटकर है डंकी फिल्म, जिस फिल्म में आपको ड्रामा, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो हमें क्या लग रहा था कि फिल्म की कहानी सिंपल सी होगी कि भैया चार दोस्त है जिन्हें लंदन जाना है, बस ये सोच रहे थे हम। लेकिन दोस्तों यहां पर राजकुमार हिरानी ने जिस तरह से फिल्म को बनाया है, फिल्म की कहानी सिंपल सी होने के बावजूद भी आपको एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज देती है। मतलब कि दोस्तों लगभग 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म को जब शुरू होती है ना, तो पहले इंटरवल तक आपको ढेर सारी कॉमेडी देखने को मिलती है, और इतनी कॉमेडी है और इतने फनी सीन्स है जिन्हें देखकर आप पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होता है उसके बाद फिल्म काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कुछ एक सीन्स पर तो आप रोने लग जाते हो। तो यहाँ फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि उनसे बेहतर बॉलीवुड में कोई और डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने डंकी फिल्म को इतने परफेक्ट तरीके से बनाया है कि यह फिल्म 2 घंटे 48 मिनट की है लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपको बोरियत फील नहीं होने देती है। फिल्म चालू होती है और जब तक फिल्म खत्म हो जाती है तब तक आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटती। फिल्म की कहानी तो दमदार है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो म्यूजिक है वो भी काफी बढ़िया है, और खास करके दोस्तों शाहरुख खान की एक्टिंग इस फिल्म में पूरी तरह से लाजवाब है। मतलब कि इस साल शाहरुख खान ने जवान और पठान जैसी एक्शन पैक्ड फिल्में की, लेकिन साल खत्म होते होते वो फैमिली ऑडियंस के लिए भी डंकी फिल्म लेकर आए जो कि पूरी तरह से क्लीन एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ आराम से देख सकते हो। वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं क्रिसमस का वीकेंड है, छुट्टियों का टाइम है, हर कोई फैमिली के साथ सिनेमाघर जाके एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखना पसंद करता है, और यकीन मानिए डंकी से बेटर ऑप्शन उनके पास कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि डंकी इस साल रिलीज हुई फैमिली ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। यहां पर दोस्तों शाहरुख खान की एक्टिंग की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान ने बेस्ट वर्क अपने करियर का अब तक का किया है डंकी फिल्म में। मतलब कि भैया शाहरुख खान की कॉमेडी पर आप खूब हंसोगे, लेकिन जब उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है उसका स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं आपको, वो आप फिल्म देखोगे जब पता चलेगा। लेकिन जहां पर इमोशनल सीन से वहां पर शाहरुख खान ने प्रूव कर दिया कि उनसे बेहतर एक्टर आज के समय में बॉलीवुड में कोई और नहीं है। शाहरुख खान के अलावा फिल्म में तापसी पन्नू और विक्की कौशल का काम भी काफी बढ़िया, और जो बाकी दो दोस्त है ना उनका काम भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बोमन ईरानी सर हमेशा की तरह इस फिल्म में भी बहुत ज्यादा साइन किए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि डंकी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को जब आप देखने जाओगे ना तो आपके टिकट के जितने भी पैसे हैं उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट यहां पर फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और सुपरस्टार शाहरुख खान आपको देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे और चार पांच बार भी देखोगे ना तो भी आपका मन नहीं भरेगा। फिल्म इतनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है कि सही मायने में यह फिल्म राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। जी हां दोस्तों, वैसे भी राजकुमार हिरानी सर हमेशा ही फिल्में ब्लॉकबस्टर बनाते हैं और शाहरुख खान के नाम भी कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, लेकिन दोस्तों डंकी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को हम मास्टरपीस बोल सकते हैं। दोस्तों आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता है कि इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान की जो जर्नी है वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की दिखाई है, और यकीन मानिए कि इस जर्नी के अंदर जितने उतार चढ़ाव आते हैं ना वो काफी कमाल तरीके से प्रेजेंट किए हैं फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने। तो ओवरऑल दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि डंकी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के अंदर आपको ड्रामा भरपूर देखने को मिलेगा, कॉमेडी ढेर सारी है, साथ ही साथ फिल्म में इमोशनल सीन्स आपको रोने पर मजबूर करते हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है डंकी, जिस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ सिनेमाघर में एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर इस वीक
वीकेंड एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डंकी फिल्म सबसे पहले सिनेमाघर में जाके देखियो, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बार बार नहीं बनती। मतलब कि एक्शन फिल्में तो हम ढेर सारी देख चुके हैं, इस साल शाहरुख खान ने ही जवान पठान जैसी दी थी, लेकिन दोस्तों डंकी जैसी क्लीन फैमिली एंटरटेनिंग फिल्में बॉलीवुड में काफ़ी कम बनती है जिनकी स्टोरी भी यूनिक हो और खास करके ओरिजिनल फिल्म हो। तो फिर से आपको बोलूंगा कि अगर अच्छी फिल्म देखने की उम्मीद कर रहे हो तो पहली फुर्सत में जाइए, डंकी की टिकट बुक कीजिए और इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखिए। फिल्म आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज देगी। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 out of 5 star क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आई। मुझे फिल्म से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म के मेकर्स ने एंटरटेनमेंट मुझे दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपने डंकी फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।